पे छतरपेन में बहुत बड़ी टैलेंट है, यहाँ पे बहुत बड़े प्लेयर हैं जैसा कि जवाद शाह है, शरीफ ज़ादा है, मुनसफ है और जाकिर है, माहिद है, और भी बहुत बड़े प्लेयर हैं, हमजा है जो। जी बिल्कुल, हमारे पास जो है ना वो एक बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर मौजूद है हमारी टीम में। तो शरीफ ज़ादा से खासी उम्मीदें वापस आई क्योंकि वो सीनियर खिलाड़ी है। मीडिया के अपडेट के नुमाइंदे भी आज इस मैच के लाइव कवरेज में मसरूफ है। गाज़ीन में हूँ नसीर खान यूसुफ़ज़ई। क्रिकेट का मेला सज गया है, छक्के चौकों की होगी बरसात और शायकीन हैं बड़े बेताब के अपने, जो इनके जो प्लेयर हैं, जो इनके स्टार हैं वो इनको देख सकें। तो मेरे साथ आज यहाँ पे मौजूद है छतरपेन के जो टीम है उसके कप्तान, जहांगीरी क्रिकेट क्लब के कप्तान जनाब रियासत खान जहांगीरी साहब। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो आज डिग्री कॉलेज बटग्राम के ग्राउंड पर मौजूद है, उनके टीम के वलवले क्या है, जोश और जज्बा क्या है, कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो मुखालिफ टीम के लिए कुछ उनके लिए मुश्किल का सबब बन सकते हैं। तो पहले तो मैं सर जी आपको खुशामदीद कहता हूँ। मुझे ये बताएं कि थाई लीग 2020 डिस्ट्रिक्ट बटग्राम की यहाँ पे जो ग्राउंड है, यहाँ पे आज आप लोगों का मैच जारी है, अभी होगा थोड़ी देर के बाद, क्या कहेंगे? जी नसीर भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मौका दिया और यहाँ पे आप आए और यहाँ पे क्रिकेट को आपने कवरेज की। जैसा कि आपने पूछा है कि यहाँ पे क्रिकेट के हवाले से आपने पूछा है, तो यहाँ बटग्राम में इससे पहले भी बहुत बड़े इवेंट्स मुनक्कद हुआ करते थे और बहुत अच्छी टूर्नामेंट यहाँ पे हमने हिस्सा लिया, माजी में भी हिस्सा लिया और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है छतरपेन की क्रिकेट टीम ने हमेशा। यहाँ पे छतरपेन में बहुत बड़ी टैलेंट है, यहाँ पे बहुत बड़े प्लेयर हैं जैसा कि जवाद शाह है, शरीफ ज़ादा है, मुनसफ है और जाकिर है, माहिद है, और भी बहुत बड़े प्लेयर हैं, हमजा है, जो हर ग्राउंड पर हर किस्म की क्रिकेट में वो दूसरे हरीफ के लिए एक मुश्किल साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, आप मुझे ये बताएं कि आपके पास कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो कि मुखालिफ टीम के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। स्टार ऑलराउंडर की बात की जाए तो उनके नाम भी मुझे बता दें, कौन से ऐसे पेसर हैं जिनकी स्पीड 150 से ऊपर होगी और मुखालिफ टीम के लिए, बल्लेबाजों के लिए खतरे की गारंटी वो बचा सकते हैं? हमारे पास तो बॉलिंग में जवाद हुसैन शाह है, शरीफ ज़ादा है और निसार है, और इसके अलावा बैटिंग में इसरार है, मुनसफ है और हमजा है, इसके अलावा ऑलराउंडर भी है। तो इंशाल्लाह हमारी बैलेंस टीम है, कोशिश होगी हम एक मुश्किल बैटिंग है, अगर पहली बैटिंग आती है तो मुश्किल हदफ उनको दे, और अगर दूसरी बैटिंग हमारी आती है तो हम इनको कम से कम स्कोर भी आउट करने की कोशिश करें, जिनकी भरपूर सहूलियात हमारे पास मौजूद है टीम। जी हमारे कप्तान साहब का कहना है कि हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं, ऐसे ऑलराउंडर हैं, ऐसे खतरनाक पेसर हैं जो कि मुखालिफ टीम के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। अभी तो देखना ये होगा कि मैच शुरू भी नहीं हुआ, तो कप्तान साहब से ये भी पूछना चाहेंगे कि अगर टॉस जीत गए तो पहली बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे, क्या आपका क्या प्लानिंग के साथ आप जाएंगे, पहली बैटिंग या पहली बॉलिंग?
ये तो हमें फिलहाल हम नहीं बता सकते क्योंकि हम पिच को देख के फिर बताएंगे, फिर खिलाड़ी से मशवरा करेंगे क्योंकि सीनियर प्लेयर हमारे साथ खेल रहे हैं, तो उसको ग्राउंड और ट्रांस होने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे। नसीर भाई बिल्कुल जी, इसी का रात में ये बात रख दी है कि जो भी हो क्रिकेट की जीत होगी, आप यहाँ पे आएंगे, अपने स्टार प्लेयर को आप देखेंगे, एक्शन में देखेंगे, चक्के चौके होंगे, यहाँ पे शायकीन यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे। आज छतर प्लेन क्रिकेट की जो टीम है जहांगीरी क्लब आपको एक्शन में दिखाई देगी। जी नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ पे नेशनल 11 थमाई के यहाँ पे स्टार खिलाड़ी मौजूद है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने मुखालिफ टीम को घेरने के लिए क्या प्लानिंग की है। मुझे पहले ये बताएं कि यहाँ पे खिलाड़ी पहुँच गए, मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों को घेरने के लिए कोई प्लानिंग की है या नहीं? जी बिल्कुल, हमारे पास जो है ना वो एक बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर मौजूद है हमारी टीम में, सीनियर प्लेयर है बिल्कुल, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। अच्छा कोशिश करेंगे, मुझे ये बताएं कि इन खिलाड़ियों को आपने पहले खेलते हुए देखा है, हर खिलाड़ी का एक वीक पॉइंट होता है, जिसे वही स्टार प्लेयर होता है, वही स्टार ऑलराउंडर जो उसके वीक पॉइंट को पकड़े, इस इन खिलाड़ियों के साथ पहले खेले या नहीं? इनके साथ तो नहीं खेले, लेकिन हमारे जो सीनियर प्लेयर है वो इनके साथ खेल चुके हैं और सबको मतलब जानते हैं, उनके साथ खेल कूद किए उन्होंने। अच्छा, इंशाल्लाह उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी इस बारे में। चले जी, आपके एक्सपीरियंस प्लेयर आपको टिप्स दें और आपने जो मुखालिफ टीम के प्लेयर हैं उनको पकड़ने की कोशिश करें और जल्द अज जल्द आउट करने की कोशिश करें और कम से कम हदफ पे आउट करने की कोशिश करें और ये मैच अपने नाम करें। बेस्ट ऑफ लक। जी मेरे साथ यहाँ पे सीनियर कमेंटेटर जो कि छतर प्लेन से इस मैच के लिए खास कमेंट्री करने के लिए यहाँ पे आई हुई है, तो आमिर सलीम जहांगीरी मेरे साथ मौजूद है। इस मैच के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप, आमिर सलीम जहांगीरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर छतर प्लेन से खसूसी तौर पर आए हैं और इस टूर्नामेंट इस मैच को कवरेज देंगे। बिल्कुल, तो टूर्नामेंट के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि ये नहीं है, शानदार टूर्नामेंट यहाँ पर कई स्पोर्ट्स ने मुनक्द किया है और छतर प्लेन की जो टीम है वो वाइड टीम है जो डिस्ट्रिक्ट बटग्राम से बाहर की है। एजाजी तौर पर इस टीम को हिस्सा दिया गया है जो कि जहांगीरी क्लब की टीम सेंटर है, आज उनका मैच भी है, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उनका कि उन्होंने यहाँ पर शिरकत करने की दावत दी। बिल्कुल, छतर प्लेन के प्लेयर यहाँ पे खेलेंगे। बिल्कुल, छतर प्लेन के खिलाड़ी इस टीम में शामिल है और एक अच्छा मैच होगा यहाँ पर। कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो कि आपकी नज़र में अच्छे इस मैच के हिसाब से वो अच्छी कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत रखते हैं? खास तौर पर छतर प्लेन से बहुत से लोग यहाँ पर आज का मैच देखने के लिए आए हैं और जाहिर है उनकी हमदर्दी जो है वो अपनी टीम के साथ होगी। बिल्कुल, तो शरीफ ज़्यादा से खासी उम्मीदें वापस आई क्योंकि वो सीनियर खिलाड़ी है और एक मंजे हुए राउंडर हैं। बिल्कुल, तो वो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो परेशान कर सकते हैं मुखालिफ। और कौन से हैं? और इस तरह अगर देखें तो रियासत खान जहांगीरी कप्तान, वो लीड कर रहे टीम को, मिनहाजुद्दीन आए हैं एक लंबे अरसे के बाद, वो टीम में आए हैं, उनसे खासी उम्मीदें वापस आई। इसके अलावा मुनसिफ, अमीर हमजा और दीगर ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो निसार अहमद एक नुमाया नाम है। चले जी, निसार अहमद एक नुमाया नाम है, देखेंगे जी क्या होगा, ये तो वक्त ही बका है, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे मैच शुरू हो जाएगा। लाइव एक्शन आप देख सकते हैं ग्रीन वैली अपडेट पे, हमारे चैनल को यूट्यूब पे भी जाए और वहाँ पे भी हम आपको लाइव एक्शन दिखाएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा, किधर जाइए गमर। ब्रेकिंग न्यूज आपको देते चले जी, यहाँ पे जहांगीरी 11 ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला करने का फैसला किया है। आपको ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे मैं देता चलूँ कि जहांगीरी क्रिकेट क्लब के कप्तान रियासत खान जहांगीरी ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया है, तो देखना ये होगा उनका ये फैसला कैसे साबित होता है। तो खिलाड़ी यहाँ पे ड्रेसिंग रूम में मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जवाब सर यहाँ पे मौजूद है, उनके साथ साथ सीनियर प्लेयर भी यहाँ पे मौजूद है और खिलाड़ी यहाँ पे गुफ्तगू शनीद में यहाँ पे है कि बैटिंग की जाए, किसको भेजा जाए, तो ये तो थोड़े टाइम के बाद पता चलेगा। ब्रेकिंग न्यूज यही है कि जहांगीरी 11 ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया है।
उनके सामने शरीफ ज्यादा जहांगीरी क्लब की टीम को रोकना है तो यहां से उनको ब्रेक लगानी होगी। अच्छी गेंद इस बार भी बगैर देखे अपने बल्ले को घुमाया शरीफ ज्यादा ने। अहमद अकबर ने अंदर के बाद के जो ड्राइव किया है दूसरे के अकबर ने अंदर के बाद ड्राइव किया है फोर विकेट और दस ओवर। जो के
आउट हुआ कि विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए। क्रिस्टल तमाई 11 के बॉलर और इस तरह एक खतरा बनती हुई पार्टनरशिप जो कि एक बड़े आने वाले बल्लेबाज अमीर हमदान उंगाल हुए हैं और टॉस जीतने पहले खुद खेलने का फैसला किया था जहांगीरी क्लब के कप्तान ने। 16 के मजबूत स्कोर पर उनके चार बल्लेबाज आउट हो चुके थे। उसके बाद गरीब राधा और इसरार अहमद के दरमियान छुरा सीरीज की पार्टनरशिप कायम हुई। 13 ओवर के अख्ताम पर 102 रन बनाए हैं। उनका शॉट और शरीफ दादा के बल्ले से एक और छक्का से बाएं एक लंबा छक्का शरीफ दादा के बल्ले से देखने को मिला और जयान अंदाज पहली बॉल पर अपनाते हुए संभाला दिया और मुश्किल से निकालने में उन्होंने करीबी किरदार अदा किया जहांगीर क्लब के लिए। 16 के स्कोर पर और कनेडियन टीम के बारे में कहते हैं कि खेल की समाधि है यहाँ पर अभी टीम का। मैं निहायत ही शुक्रगुजार हूँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का और जो उन्होंने यहाँ पर ये मेला सजाया है। इस मेले की जितनी भी तारीफ यहाँ पर की जाए वो कम है हो रहे हैं और आपने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से जो क्रिकेट की सरगर्मियां खत्म हो चुकी थी कई स्पोर्ट्स ने उनको बहाल किया है और जो कई लीग का उन्होंने आगाज किया है ये नहायत ही काबिल दीद है। तमाशाइयों को अच्छी तफरी उन्होंने फराहम की है। वहाँ पर कसीर खान इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है कतर से। उन्होंने अमीर हमजा के लिए ऐलान किया है 5,000 रुपए का ऐलान किया है अमीर हमजा के लिए। ऐलान सुनते ही अमीर हमजा यहाँ पर बेकाबू हो गए और अमीर हमजा के 50 रन में कमाल 3 गेंदों पर 6 करीब 15 रन का टारगेट। और टाइम शॉट मैनेजमेंट की जानिब से 13 करीब 50 बनाने पर अमीर हमजा के लिए 500 रुपए का ऐलान। टाइम शॉट मैनेजमेंट की जानिब से अमीर हमजा के लिए 13 करीब 50 बनाने पर 500 रुपए का ऐलान। परफेक्ट है बॉलिंग में बैटिंग से ज्यादा हमारी बॉलिंग। चले जी बैटिंग तो आपने अच्छी कर दी बॉलिंग में अपनी जान मारी और बैटिंग अच्छी है सारे टैलेंटेड प्लेयर है और सीनियर खिलाड़ी है इंशाल्लाह। अच्छा जी बहुत बहुत शुक्रिया जी बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। पहला गेंद अच्छा फसल हारी के लिए अंपायर के पास पहली गेंद और न्यूज
इनको सरजमीनी बटग्राम आमद पर खुशामदीद कहता हूँ और उनके लिए एक शेर जरूर अर्ज करूंगा चतर प्लेन से आए हुए साथियों के लिए। लेकिन इसके बाद जवाब शाह चौथे चरण आपके साथ पार्टी पास से गुजरे अंतरराष्ट्रीय जी के खरीदी गई पुष्पों का एक शेर है सजात चतर प्लेन वालों के लिए खसूसी डेडिकेट करना चाहूंगा। नंबी झुंगड़ी तराजी तो खुशालय मकाम दे नंबी झुंगड़ी तराजी तो खुशालय मकाम दे जड़गी अलार वर सजारू का दुकानों को सुको। इन अल्फाज के साथ चतर से आए हुए शाइकिनी क्रिकेट और क्रिकेट की दुनिया के सितारों का ग्राउंड आमद पर सर मक्सम करते हैं और उनको फखीर राली भी कहते हैं हरकत आवा कहते हैं क्योंकि उन्होंने आज ताई स्पोर्ट्स लीग 2020 को चार चांद लगाए हैं। आज ताई स्पोर्ट्स लीग 2020 का तीसरा मुकाबला है जवाब शाह फजल हादी के लिए अंपायर के पास से फिर भी अदबों का इस्तेमाल लेकिन नमस्कार जिसके लिए आगे निकले थे वही कर देगा और गेंद हवाई रास्ते से बॉलिंग में कुछ तब्दीली की जा रही है इंडिया वालों के लिए परिवर्तन की जा रही है। जवाब शाह अंपायर के पास से गुजरे और इस बार एक और खाली जगह पर फिर किया तीसरा मैच और आज इस मैच की दूसरी जारी खूबसूरत शॉट फंदेहादी के बल्ले से कवर की एरिया में चौका लगाने में कामयाब खूबसूरत तरीके से हासिल कर लिए है बल्लेबाजों ने। इस बार इशारा है गेंदबाजी को अच्छी के आधी विकेट पर मौजूद सात ओवर खेल कर 44 रन का जो हिस्सा है वो स्कोर बोर्ड पर उन्होंने सजा दिया है। मजीद जो उनको आधी विकेट पर मौजूद है 18 ओवर पर मुश्तमिल ये मुकाबला 11 ओवर अब भी उनके किसी भी बॉलर को वो खातिर में नहीं जा रहे और कदमों का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को कवर किए जाने के लिए उमर शाह वहां पर मौजूद इन्होंने गेंद को फीड किया है एक रन का इजाफा हुआ चाहिए चौंसठ गेंदों पर मेरे साथ आए एक बार मेरा ऐसा ऐसा इस नंबर पहुंचे गेंद की बासित को उनके साथ खेला है बासित ने और गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ कराई है 3 रन के लिए और फतेहाली और बासित विकेट पर मौजूद है न्याय जी मोहतरम तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं किसी भी तरह वो गलत शॉट खेलने में नहीं कर रहे हैं और इसी तरह की कोशिश को कर रही होगी अगर वो इस टारगेट को हासिल करना चाहते हैं। कामयाब जरूर लेकिन फजल हादी को एक रन से ना रोक सके इसे एक रन से कुल स्कोर 81 81 फजल हादी स्लिप के साथ अपने बॉलिंग स्टार्ट से पहली गेंद ऊंचा के लिए कोई फील्डर मौजूद नहीं गेंद टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर हीरे पर
94 तीन विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 11वां ओवर जारी है। अंपायर के पास से होते हुए और इस बार क्या शानदार इस्तेमाल किया है माइक का, पहला गेंद जिसको पॉइंट के ऊपर से खेलने में कामयाब हुए, हवाई रास्ते से गेंद जाती थी 6 रनों के लिए। और साले वने के नाम से एक पेज इस मैच की जाए कवरेज कर रही है, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। और साथ साथ मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करूंगा आउट डिस्ट्रिक्ट से आते हुए हमारे मीडिया के एक्टिविस्ट ग्रीन व्हीली अपडेट के नुमाइंदे भी आज इस मैच के लाइव कवरेज में मसरूफ है, और साथ साथ चतर न्यूज के नुमाइंदे भी यहाँ इस मैच के लाइव कवरेज में मसरूफ। कुल स्कोर 108 और इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, वहां पर फील्डर मौजूद, गेंद को रोकने में कामयाब जरूर लेकिन फजल हादी को एक रन से ना रोक सके। और माइक जो इस ओवर में काफी खर्चीले साबित हुए हैं, व्हाट अ शॉट, और रब नवाज की जानिब से बस इसके लिए 1000 नेट के 1000 रुपए का नगद ऐलान। में भी एक कैच छूटा है निसार, अंपायर के पास से गुजरे, खत्मों का इस्तेमाल, फील्डर मौजूद, गेंद को रोक पाएंगे या नहीं, गेंद को रोकने में कामयाब जरूर लेकिन फजल हादी को एक रन से ना रोक सके। तो निक भाई का एक रन आता हुआ इस एक रन से कुल स्कोर 125। आजमाने का फैसला किया है तो भी गेंदों पर 18 रन मजीद चाहिए मैच जीतने के लिए। और सबसे बॉल करा रहे हैं सोटे पर, गेंदों और लेंदों के दरमियान काफी फर्क मौजूद, 63 रन चाहिए, 22 गेंद खोलना शुरू किया है आहिस्ता। अपार के पास से बोल रहे गेंद यहाँ पर ऊंचा शॉट लगाने की कोशिश, टॉप एंड कर दी गेंद, अस्पष्ट से होती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए निसार आखिरी गेंद कराएंगे। आई गेंद की ऊंचा शॉट यहाँ पर खेला है और गेंद बाउंड्री लाइन से 3 ओवर का खेल रह गया है, 53 रन चाहिए मैच। सात गेंदे 34 रन इस ओवर की आखिरी गेंद, और डॉट बॉल ओवर यहां पर मुकम्मल पर तैयार, 34 रन चाहिए। और ये भी मुश्किल नहीं क्योंकि कल हम इस ग्राउंड पर देख चुके हैं, हफीज ने 6 छक्के लगाकर ये साबित किया था कि कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। तो क्या हफीज की झलक यहाँ पर दिखा पाएंगे बल्लेबाज अमीर हमजा, गेंद करेंगे आहिस्ता आहिस्ता विकेट पर पहुंचे, गेंद की और डॉट बॉल उड़ता हुआ, जमील खान अखुनजादा स्पेशली तौर पर चदर प्लेन से आए हैं और वो इस मैच को कवरेज दे रहे हैं, ड्रोन कैमरा इस वक्त अमीर हमजा जो के बॉलर है उनके सर के ऊपर मैच को कवरेज देते हुए, जमील खान अखुनजादा राउंड द विकेट अमीर हमजा, आई गेंद की और इस बार बीट हुए बैट्समैन, किसी रन का इजाफा नहीं, 2 गेंदों का खेल रह गया है, 28 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। जहांगीरी क्रिकेट क्लब चतर प्लेन पहली फतह हासिल करने के करीब, अमीर हमदा उनके सामने बल्लेबाज आहिस्ता आहिस्ता विकेट पर पहुंचे, गेंद की और इस गेंद को खेले है इसार अहमद, गेंद तक नहीं पहुंच सके, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। जहांगीरी क्लब की फतह के साथ इस मैच का इख्तिताम हुआ है और यहाँ पर मैं ऐलान करता चलूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आमिर सलीम, जहांगीरी क्लब चतर प्लेन के कैप्टन,
रियासत खान जहांगीरी और नेशनल 11 तमाई के कैप्टन फजल हादी और आज के मैच के हीरो शरीफ ज़ादा तीनों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट्री बूथ तशरीफ लाए। नेशनल 11 तमाई के कैप्टन, जहांगीरी क्लब के कैप्टन और आज के मैच के हीरो शरीफ ज़ादा प्लीज कमेंट्री बूथ तशरीफ लाए। और यहाँ पर ताई स्पोर्ट्स लीग में तेजतरीन पट्टी बनाने वाले अमीर ज़ादा के लिए भी यहाँ पर चेंज आई थी, क्यों वजह थी के बाद में आप फंसे? वो थोड़ा बीच में गलतियाँ हो गई थी जिसकी वजह से मतलब जो टारगेट हमने सेट करना था उसमें थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा हमें। और अमीर हमजा ने माशाल्लाह बहुत अच्छी इनिंग खेली और हमारे बॉलर जिस तरह से उनसे उम्मीद थी उन्होंने उस तरह की कारकर्दगी नहीं दी, इसकी वजह से टारगेट थोड़ा ऊपर हो गया हमारा। ये तो बड़ा टूर्नामेंट है, आउट डिस्ट्रिक्ट से तीन टीमें हैं, जैसा कि आज आपने एक मैच खेला, दो टीमें डिस्ट्रिक्ट शांगला से भी है और डिस्ट्रिक्ट बदराम के मुख्तलिफ टीमें हैं, 40 टीमें इस टूर्नामेंट का हिस्सा है। आगे भी आपको बहुत सारे मैचेस खेलने हैं इस टूर्नामेंट में, तो आगे क्या टीम में कुछ तब्दीलियाँ होगी या इसी टीम के साथ आगे के मैचेस खेलेंगे? इंशाल्लाह यही टीम होगी, लेकिन थोड़ी बैटिंग में भी चेंजेस लाएंगे, बॉलिंग में भी चेंजेस लाएंगे, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि नेक्स्ट मैचेस में बेहतर खेलेंगे। शुक्रिया, आगे के लिए गुड लक। ये थे नेशनल 11 तमाई के कैप्टन। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा आज के विनर टीम के कैप्टन जनाब रियासत खान जहांगीरी साहब को। आमिर सलीम, सबसे पहले तो छतर प्लेन जहांगीरी क्लब को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने आज एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई यहां पर डिस्ट्रिक्ट बड़ग्राम के स्थाई स्पोर्ट्स 2020 लीग में पहली कामयाबी अपने नाम की। एक अच्छी टीम यहां पर हमने देखी, जैसा कि अमीर ज़ादा और शरीफ ज़ादा ने एक जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। आगे के मैचेस जो है उनके लिए क्या हकमत अमली होगी जहांगीरी क्लब छतर की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। रियासत खान जहांगीरी जो कि हमारे टीम के कप्तान थे, लेकिन वो मसरूफियत की वजह से यहाँ नहीं आ सके, अभी प्रेजेंटेशन सर्विस में उसमें शिरकत नहीं कर सके, तो मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो जो सवाल आपने किया है कि आगे आने वाले मैचेस में आपकी क्या एक मध्यम भी होगी, तो यहाँ पर जो टीम आप देख चुके हैं आज के मैच में जहांगीरी क्रिकेट क्लब ख्याल दुबई, ये टीम जो है हमारे पास छतर प्लेन में आपको पता है ग्राउंड नहीं है, हार्डबॉल तो दूर की बात, टेनिस का ग्राउंड भी नहीं है, तो क्रिकेट में खासी मुश्किल होती है छतर प्लेन में जगह की बदौलत। तो ये जो खिलाड़ी खेल रही है, ये आज जो मैच खेल रहे थे बिल्कुल प्रैक्टिस उनका नहीं था, लेकिन जिस तरह उन्होंने खेल पेश किया है और आज बड़ग्राम के जो शायकीन हैं उनको एक अच्छा मैच उन्होंने यहाँ पर दिखाया है और ये इम्प्रूव किया है कि मेहनत और जज्बे से अगर आप खेले तो ग्राउंड माने नहीं रखती, तो आज इन्होंने यहाँ पर इंतहाई अहम मैच खेला है और आने वाले मैचों में भी इनसे उम्मीद करते हैं कि ये टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। शुक्रिया आमिर सलीम। इसके बाद मैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी के आगे बढ़ाऊँगा, उससे पहले मैं जाऊँगा आज के मैच के हीरो की तरफ, यानी प्लेयर ऑफ द मैच, आज के मैच के मैन ऑफ द मैच शरीफ ज़ादा की तरफ। तो शरीफ ज़ादा के लिए यहाँ पर ताई स्पोर्ट्स लीग के जानिब से एक ट्रॉफी है, आप जाकर हमारे आज के भरपूर क्लिपिंग होनी चाहिए शरीफ ज़ादा के लिए, प्लीज क्लिपिंग में गंजूसी नहीं होनी चाहिए। आज के प्रेजेंटेशन सेरेमनी के मेहमान नियाज खान और पियाया और शीन खान से आप अपना अवार्ड वसूल करें। टाई स्पोर्ट्स लीग की जानिब से आपके लिए मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी है और साथ साथ आपके लिए शरीफ के लिए काला खान छतर प्लेन वाले की तरफ से 500 रुपए का नेट कैश है। तो मैं बुलाना चाहूँगा काला खान साहब को कि वो शरीफ को 500 रुपए का नेट कैश दे दे। शरीफ इस वक्त अपने अवार्ड वसूल कर रहे हैं आप आज के मैच के हीरो, शुक्रिया शरीफ और शुक्रिया प्रेजेंटेशन सेरेमनी के मेहमान इग्रामी। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ और खिलाड़ी हैं उनके लिए भी अवार्ड हैं और यहाँ पर एक और अवार्ड है अमीर हमजा के लिए,
ख्याल वहां की तरफ से 500 रुपए का नेट कैश, तो मैं जहमत दूंगा अमीर हमजा को जिन्होंने आज 13 गेंदों पर 50 रन बनाए हैं। प्लीज क्लिपिंग आनी चाहिए अमीर हमजा के लिए। अमीर हमजा जिन्होंने टाई स्पोर्ट्स लीग में 73 पेप्सी बनाई है, शुक्रिया हमजा और शुक्रिया ख्याल वहाब। इसके बाद नेशनल 11 तमाई के एक प्लेयर बासित के लिए यहाँ पर एक इवार्ड है नूर खान की तरफ से, तो बासित को मैं जहमत दूंगा कि वो जाकर अपना इवार्ड वसूल करे नूर खान साहब से। 1000 रुपए का नेट कैश है बासित के लिए नूर खान की तरफ से। शुक्रिया प्रेजेंटेशन सेरेमनी के मेहमान और शुक्रिया आज के इस दोनों टीमों के खिलाड़ियों का। और हमजा के लिए यहाँ पर एक और इवार्ड है, तो हमजा को मैं जहमत दूंगा कि वो टाइम स्पोर्ट्स लीग की जानिब से अपना इवार्ड वसूल करे। हमजा यंगीरी क्लब चतर प्लेन का प्लेयर। सही थे आज के इवार्ड्स जो कि मुख्तलिफ खिलाड़ी वसूल कर रहे थे। आखिर में मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा दोनों टीमों का और हमारे मीडिया के साथियों का, जिसमें खुराद बटग्राम सारे बने, ग्रेन वैली अपडेट और चतर न्यूज जो कि आज उपस्थित से तशरीफ ला चुके थे, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और विनिंग टीम को एक बार फिर मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने उपस्थित से आज तशरीफ लाया था। और शान से नरों की जिंदगी ने वफा की अमीर सलीम, तो कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबसे इजाजत चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।